हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मौज ऐप्स में कैसे अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मौज ऐप्स को यूज करते हैं उसमें आपका अगर डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा लगता है इस वीडियो को देखने में, मौज ऐप्स के वीडियो को अगर आप देखते हैं उसमें ज़्यादा आपका नेटवर्क जो खर्च हो जाता है, दोस्तों आप उसको कैसे सेव कर सकते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए, मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर अपने मौज ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद उसको ओपन करना है। दोस्तों देखिए, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों देखिए, खुलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। खुलने के बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में आ जाना है। अब जैसे ही इसमें आ जाएंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। खुलने के बाद आपको देखना है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली प्रेस कर देना है। देखिए दोस्तों, आप जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों, आपको देखिए व्हाट्सएप पर शेयर और फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर करने का ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये थ्री डॉट, इस पर देखिए मैं प्रेस करके दिखा देता हूँ। देखिए, आप प्रेस करेंगे तो और जितना आपके मतलब फ़ोन में ऐप्स रहेंगे उस पर आपको शेयर करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पर अगर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ लीक टाइपिंग वाला लेटर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर टर्म्स यूज का ऑप्शन आ रहा है, दोस्तों लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, पर दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर डाटा सेवर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों जो मौज ऐप्स में जो डाटा सेवर का ऑप्शन है दोस्तों, अभी ऑन लेवल मतलब कि अभी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो देखिए आगे चल कर क्या होता है दोस्तों, अगर मौज ऐप्स में डाटा सेवर का ऑप्शन आ जाता है तो देखिए मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि उसमें कैसे सेव कर देता है दोस्तों। तो अभी तक लिए मौज ऐप्स में डाटा सेवर का ऑप्शन नहीं आया है। आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर ही डाटा सेव को मतलब कि आप डाटा सेविंग कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक मौजेस में डाटा सेवर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको यही जानकारी मिलती है कि दोस्तों अभी तक मौजेस में डाटा सेवर अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।